मटन हलीम वाले की सफलता। फिरोज का एक होटल था। वो हर रमजान के महीने में अपने होटल में मटन हलीम बनाता था। उसके होटल का मटन हलीम बड़ा ही मशहूर था। दूर दूर से लोग फिरोज के होटल मटन हलीम खाने के लिए आते थे। फिरोज का इसी वजह से काफी नाम हुआ था। उसी के होटल के सामने राज का भी बिरयानी का एक होटल था। राज फिरोज से बहुत ही जलता था। एक दिन के लिए वो दूसरे गांव गया था। तब सुंदर नाम का एक गरीब लड़का माँ की बीमारी के लिए चंदा मांगते हुए दिखाई देता है। राज सुंदर के पास जाता है और कहता है, अरे सुंदर, आखिर चंदा मांगने से क्या होगा? कितना पैसा जमा कर पाएगा? देख, मैं तुम्हें इलाज के सारे पैसे दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये सुनकर सुंदर मन ही मन सोचता है और माँ के इलाज के लिए राज की बात मान लेता है। राज के दिए हुए पैसों से सुंदर अपनी माँ का इलाज पूरा करता है। सुंदर की माँ ठीक होकर घर वापस आती है। सुंदर राज का धन्यवाद करता है। तब राज कहता है, तुझे फिरोज के होटल में काम करना पड़ेगा। लेकिन काम उसका, पर उसके होटल में जो कुछ चलता है वो सब मुझे बताना होगा। छोटी सी छोटी बात भी मुझ तक पहुंचनी चाहिए। अब होटल में काम कैसे मिलेगा ये तुम सोचो। सुंदर को भी ये काम बहुत ही छोटा लगता है। वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ही सुंदर फिरोज के होटल जाता है। सुंदर माँ की बीमारी की बात बताकर फिरोज के होटल में काम लेता है। सुंदर को फिरोज के होटल में काम करते देख राज भी बड़ा खुश था। फिरोज के बच्चे, अब तेरे सारे राज और तुम्हारी कमजोरी पता करवाऊंगा और तुझे बर्बाद कर डालूंगा मैं। बस कुछ ही दिन बचे हैं अब तेरे पास। सुंदर रोज की बातें राज को बताता था। अब रमजान का महीना शुरू हो जाता है और फिरोज के होटल में मटन हलीम भी बनना शुरू हो जाता है। सुंदर हलीम कैसे बनाना वो सीखता है। वो उस दिन किचन में मटन हलीम बना रहा था, तभी वहां फिरोज एक बॉक्स लेकर आता है। फिरोज सबको किचन से बाहर भेजता है। ये सब देखकर सुंदर को बड़ा अजीब लगता है। कुछ तो राज है जो मालिक ने हम सबको किचन से बाहर भेजा। लगता है उस बॉक्स में कुछ था, जैसे कोई मसाला। हाँ, वो मसाला ही है, क्योंकि उनके आते ही किचन में खुशबू फैल गई थी। सुंदर ये बात भी राज को बता देता है। ये सुनकर राज कहता है, अच्छा तो उसके पास हलीम बनाने का सीक्रेट मसाला है। सुंदर, फिरोज तो तुझे नहीं बताएगा कि वो कैसा मसाला बनता है, पर तू वो मसाला चोरी तो कर सकता है ना। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुझे अपने होटल में काम दूंगा। बस तुम्हें उस मसाले के बॉक्स की जगह दूसरा बॉक्स रखना होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। सुंदर होटल में उस मसाले के बॉक्स को ढूंढता है। सुंदर की यह हलचल फिरोज भांप लेता है, पर वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहता। फिरोज मसाले के बॉक्स को होटल में ही रखता था। ऐसे में सुंदर को मसाले के बॉक्स का पता चल जाता है। वो ये बात राज को बता देता है। तब राज सुंदर के हाथ दूसरा बक्सा रख देता है। सुंदर रात के अंधेरे में तुरंत मसाले के बॉक्स की अदला बदली कर देता है और फिरोज का मसाले का बॉक्स वो राज को देता है। उस दिन राज बहुत ही खुश हो जाता है। फिरोज, आज तेरा मटन हलीम खाकर लोग तुझे खूब पीटेंगे और तेरा होटल बंद कर देंगे। अब तो बस मेरे ही होटल का हलीम खाते जाएंगे लोग। सुनो सुंदर, आज से तू मेरे यहाँ ही हलीम बनाने का काम शुरू कर। सुंदर उस दिन राज के होटल में मटन हलीम बनाता है और बॉक्स में रखा मसाला भी हलीम में डालता है। राज बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। मटन हलीम बनकर तैयार हो जाता है। कुछ लोग राज के होटल में हलीम खाने आते हैं, पर जैसे ही वो हलीम का निवाला लेते हैं, वो जोर से चिल्लाने लगते हैं। छे 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 जी, कैसा हलीम है ये? इतना बेकार हलीम मैंने आज तक नहीं खाया। पूरे हलीम में स्वाद ही नहीं है, बस मिर्ची और नमक। इस वजह से तो मेरे पेट में भी गड़बड़ शुरू हो गई। कौन है इस हलीम को बनाने वाला? उसे तो पकड़कर मारना चाहिए। इस तरह गुस्से से लोग भड़क जाते हैं। तब राज खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम सुंदर पर डाल देता है। लोग सुंदर को मारने लगते हैं। तभी वहां फिरोज आता है और लोगों को रोक देता है। रुक जाओ, असली गुनहगार तो ये राज है। इसके कहने पर ही सुंदर ने यह सब किया। मालिक, इसका मतलब आपको सब कुछ पता था? हाँ, मैं तुम्हारी सारी हरकतों पर नजर रख कर था। राज ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। उस दिन मैंने ही खराब मसाला बॉक्स में भरकर रखा था जो तुमने चुराया। ये मसाला मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया था,
अगर तुम कहते तो मैं तुम्हें भी सिखाता। वैसे कोई भी खाना प्यार से बनाओ तो उसका स्वाद बढ़ ही जाता है। तब सुंदर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिरोज से माफी मांगता है। लोग राज की तरफ बढ़ते हैं, पर तब राज वहां से रफू चक्कर हो जाता है। मालिक, मुझे मेरी गलती का एहसास है, पर क्या आप मुझे हलीम और ये मसाला बनाना सिखाओगे? मैं अपना खुद का होटल शुरू करना चाहता हूँ। तब फिरोज बड़े ही खुशी से सुंदर को माफ कर देता है और उसे सब कुछ सिखा देता है। सुंदर अपने गांव जाकर अपना खुद का हलीम का होटल शुरू करता है। गांव के लोग भी उसके बनाए हुए हलीम को खूब पसंद करते हैं और धीरे धीरे उसकी तरक्की भी हो जाती है। गरीब किसान की आलसी बकरी। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता है। गरीब होने के कारण ना उसके पास खेत जोतने के लिए बैल थे और ना ही ज्यादा पैसे थे मजदूर लगाकर उनसे काम करवाने के लिए। एक दिन गोपाल लता के साथ खेत में काम कर रहा था कि तभी गोपाल नीचे गिर जाता है। तब उसकी पत्नी लता गोपाल से कहती है, आप ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं आई? मैं कब से कह रही हूँ कि मोहन से बैल की राय पर ले लो, पर तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। अरे गरीब को कहा चोट का दर्द महसूस होता है, ये तो अब रोज का ही हो गया। लता, मोहन बैलों का बहुत किराया लेता है, हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं? लता जिद पर अड़ जाती है। तब गोपाल मोहन के पास बैल किराए से मांगने जाता है। मोहन के पास बहुत सारे बैल थे और वो गांव में किसानों को किराए से अपने बैल देता था खेतों के कामों के लिए, पर वो बड़ा ही लालची था। पहले पैसे मिलने पर ही वो बैल किराए से देता था। गोपाल मोहन से इस बारे में बात करता है। तब मोहन हंसते हुए कहता है, अरे गोपाल, तू मेरे बैलों का किराया नहीं दे पाएगा। जा जा, खुद खेत में काम कर, बैल किराए से लेना तेरे औकात के बाहर है। मोहन के सामने गोपाल विनती करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी मोहन अपने एक मजदूर से कहता है, अरे सुनो, इस बकरी के बच्चे को जंगल में छोड़कर आ, जब से पैदा हुआ है तब से कमजोर है, ऐसे बकरी का कोई मोल नहीं मिलता। गोपाल को उस बकरी पर दया आती है और उसे बुरा भी लगता है कि मोहन उसे जंगल में छोड़ रहा है। तब गोपाल मोहन से कहता है, अरे मोहन, क्यों बेचारी को जंगली जानवरों के हवाले कर रहे हो? अगर तुम इसके देखभाल नहीं कर सकते तो ये बकरी मुझे दे दो। मोहन को बकरी से कोई फायदा नहीं था, इसीलिए वो बकरी गोपाल को दे देता है। गोपाल बकरी को लेकर घर आता है। तब लता कहती है, अरे आप तो बैल लाने गए थे और ये क्या लेकर आए? भला ये बकरी का बच्चा हमारे किस काम का? तब गोपाल सारी बात बता देता है। लता को भी उस बकरी पर दया आती है। अब वो दोनों मिलकर उस बकरी का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। कुछ ही दिनों में अच्छी देखभाल की वजह से और सही समय पर हरी भरी घास मिलने से बकरी अब तंदुरुस्त बन जाती है। पर ऐसे बैठे बैठे खाते रहने से बकरी आलसी बन जाती है, बस जब देखो तब उसे खाना चाहिए रहता था। लता तो परेशान हो गई थी। ऐसे में एक दिन वो गोपाल से कहती है, सुनिए, जब ये बकरी हमारे घर आई थी तो कितनी कमजोर थी, पर अब देखो कैसे खा खा कर मोटी और आलसी हो गई है, बस खाना खाकर सोती रहती है। उसे खाना खिलाते खिलाते तो मैं थक गई हूँ। अरे तो फिर बकरी अच्छा खासा दूध भी तो देगी, फिर हम दूध बेचकर पैसा कमाएंगे और खुद के बैल खरीदेंगे, इसलिए उसे जितना चाहिए उतना खाना दिया करो। लता गोपाल की बात मान जाती है, पर बकरी तो आलसी थी, उसने दूध देना भी शुरू नहीं किया था। अब तो लता परेशान हो जाती है और एक दिन बकरी के सामने गोपाल से कहती है, सुनिए, अब बहुत हो गया इस बकरी का आलस, ये किसी काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि इसे जंगल छोड़कर आओ, कम से कम किसी जंगली जानवर की भूख तो मिटेगी। या फिर आप एक काम करो, इसे कसाई को बेच दो, कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। लता की ये बात बकरी सुन लेती है। तब वो झट से खड़ी हो जाती है। वो लता की बातों से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब गोपाल बकरी को सहलाने लगता है
तब बकरी अचानक से दूध देने लगती है। तब गोपाल चकित होकर लता से कहता है, अरे लता देखो बकरी दूध दे रही है। लता बकरी का दूध निकालती है। बकरी ने उस दिन कुछ ज्यादा ही दूध दिया था। तब गोपाल दूध को बेचने गांव जाता है। अब रोज बकरी बराबर दूध देने लगती है और गोपाल उसे बेचकर पैसे कमाने लगता है। कुछ ही दिनों में उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं और वो उन पैसों से बैल खरीद लेता है। तब लता कहती है, अरे ये सब तो मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने इस आलसी बकरी को डर नहीं दिखाया होता ना, तो ये दूध कभी नहीं देती थी। लता और गोपाल बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मोहन सरपंच को लेकर आता है और अपनी बकरी को वापस मांगने लगता है। तब सरपंच कहता है, अरे गोपाल तुमने मोहन की बकरी चुराई, ऐसा इसका आरोप है, इसलिए तुम इस बकरी को इसे लौटा दो। सरपंच जी मैंने कोई चोरी नहीं की, ये मोहन तो बकरी को कमजोर समझकर जंगल छोड़ने वाला था। मैंने ही इस बकरी की देखभाल की और इसे इतना हट्टा कट्टा बनाया, ये मोहन तो लालची है। सरपंच दोनों की बातें सुनते हैं और कहते हैं, मोहन तुमने झूठ बोला और ऊपर से पहले तो बकरी को मारने चला था, अब जब फायदा दिखाई दे रहा है तो उसी बकरी को वापस मांग रहा है। देखो ये बकरी तुम्हारी थी पर अब ये गोपाल की है, समझे? सरपंच के आदेश के अनुसार बकरी गोपाल के पास ही रहती है और बकरी का दूध बेचकर गोपाल के दिन ही बदलने लगते हैं और वो खुशी से रहने लगता है।